प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, बैतूल में कार और बस में टक्कर, हादसे में 11 की गई जान। मध्य प्रदेश में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर है। हादसा बैतूल जिले के झलार थाने के पास हुआ। रात करीब 2:15 बजे एक टवेरा कार खाली बस से जा टकराई। हादसे में 11 मौजूद लोगों की मौत हो गई, जबकि कार चला रहा चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। सभी मृतकों के शव झल्लार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे गए हैं। सभी मृतक इसी गांव के रहने वाले थे। घटनास्थल से इस गांव की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। बैतूल SP शिमला प्रसाद ने हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोग अमरावती के एक गांव में बैतूल के झल्लार से 20 दिन पहले मजदूरी करने गए थे। सभी लोग गुरुवार रात करीब 9 बजे अमरावती से झल्लार के लिए रवाना हुए थे। रात करीब 2:15 बजे चालक को झपकी लगी और कार सीधे बस में जा घुसी। हादसा काफी भीषण था। सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल है। कार के परखच्चे उड़ गए। कार की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना काफी भयावह होगी। हादसे के बाद कार को काटकर शवों को निकालना पड़ा। हादसे की जानकारी लगते ही SP समेत बाकी अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। SP और DM ने पीड़ित परिवारों को शासन के नियम अनुसार सहायता राशि देने की बात कही। बैतूल में हुए दर्दनाक हादसे पर PM नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सभी 11 मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों के परिजनों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। CM शिवराज सिंह चौहान ने भी बैतूल हादसे पर शोक व्यक्त किया। CM ने राहत राशि की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हादसे में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिजनों को 2,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं हादसे में घायल को 10,000 रुपए सहायता राशि के रूप में दिए जाएंगे। पूर्व CM कमलनाथ ने भी हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की। इससे ठीक 2 दिन पहले ही मंगलवार को मुरैना जिले में भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था। डंपर और बोलेरो की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, UP इंडिया न्यूज़।